जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। मैं शाम का एक बार फिर से स्वागत है लाइव फार्मिंग की इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं सोनाली देसी मुर्गी पालन के विषय में। तो दोस्तों हमारे पास निकले हुए हैं सोनाली के टोटल 5000 चूजे। तो इस विषय में आपको बताने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देने वाले हैं सोनाली मुर्गी फार्मिंग के विषय में। क्योंकि दोस्त लोग फार्मिंग करते हैं, यूट्यूबर हैं, लेकिन वो फार्मर नहीं है, उनको नॉलेज नहीं कि फार्मिंग कैसे करना है, क्या सच है, क्या उसमें लाभ होता है, क्या नुकसान होता है, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज का कोई भी नॉलेज नहीं है यूट्यूबर्स को जो फार्मिंग के विषय में वीडियोस बनाते हैं। मैं स्वयं एक फार्मर हूँ, मैं खुद फार्मिंग करता हूँ, आप देख लीजिए घूम के एक बार। ये मेरा पूरा फार्म हाउस है। हमारे पास सोनाली बर्ड के पेरेंट बर्ड हैं, हम उनमें से अंडा का उत्पादन करते हैं, चूजा निकालते हैं, तब चूजा सेल करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि कैसे नुकसान हो सकता है, कैसे फायदा हो सकता है। तो उसी टॉपिक में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं A to Z। वीडियो थोड़ा लंबी होगी। हमारे साथ सरताज मामू भी हैं, वो भी आपको कुछ ना कुछ जानकारी देंगे। पहले हम लोग आइए इसके बारे में, सोनाली के विषय में बात करते हैं, जो कि हमारे पास निकले हुए हैं सोनाली बर्ड। दोस्तों ये हमारे पास 5000 बर्ड निकला हुआ है, जैसा कि अभी आप लोग बॉक्स में देख रहे हैं, पूरा बॉक्स में पैक है। इस बॉक्स को इसलिए दूर दूर रखा गया है क्योंकि इसको अभी इसमें लोड होना है। पास पास रख देंगे तो ऑक्सीजन नहीं आस पास पार होगा, तो इस वजह से मोर्टलिटी हो सकती है चूजे के अंदर। और एक चीज़ देखिए, ये हमारे पास टोटल 5000 बर्ड है, सोनाली ओरिजिनल सोनाली है, आपको हम दिखाएंगे। क्योंकि सोनाली बहुत से लोग बेच रहे हैं, उनको पता ही नहीं सोनाली होती क्या है, देसी बर्ड होती क्या है, उसी में FFG झोंके दे रहे हैं, उसी में FFG दे रहे हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, रंगीन बर्ड बोल के। तो उसमें फीड कंजप्शन हाई होता है उनका, वो ज़्यादा खाना खाती हैं, ये कम खाती हैं, इस वजह से फार्मर को एक और लॉस का सामना करना पड़ता है। फिर अंत में तैयार होने के बाद सोनाली का जो रेट है, देसी मुर्गी का जो रेट है, वो रेट FFG, FFG या FFG में नहीं मिलता, उधर से भी नुकसान, क्योंकि वो ब्रॉयलर है भाई, कलर्ड ब्रॉयलर का रेट देसी बर्ड के हिसाब से अपेक्षा हमेशा कम होता है। और ये जो बर्ड हमारे पास है, ये देसी प्योर देसी है। इसको आप पालेंगे और किसी को दिखाएंगे इसका मुर्गा ना, वो लालच में आ जाएगा कि हमको तो अब यही लेना है और यही खाना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आइए एक बार दिखाते हैं आपको हमारे पास कितने स्वस्थ और कितने सुंदर बर्ड निकलते हैं सोनाली के। देखिए ये देख सकते हैं आप लोग, हमारे पास सोनाली के बर्ड है। और आपको बताएं, ये जो बर्ड आप लोग देख रहे हैं, हम आपको और भी बॉक्स ओपन करके दिखाएंगे, पूरा बॉक्स ओपन करते हैं, देखते हैं थोड़ा, क्योंकि दिखा दें सही ढंग से कि आपको समझ में आ जाए सच्चाई, वरना ऐसा ना हो लोग सोचें खाली बॉक्स भर के शाम भाई वीडियो बना रहे हैं। देखिए देखिए दोस्तों, ये है सोनाली का चूजा। कलर देख सकते हैं, वाइट कम है, कलर देखिए ब्लैक और रेड, ये पर मतलब चमकदार। देखिए इधर हमारी तरफ दिखाई थोड़ा कैमरा, ठीक है। इस जो कलरफुल आपको चूजे दिख रहे हैं उसमें क्या है, चूजे कलरफुल, ये जब वो बड़े होंगे तो जो देसी मुर्गी होते हैं, जो देसी बर्ड होते हैं, उसके कलरफुल होते हैं, उसके 4-5 कलर होते हैं, उसका पंख अलग रहेगा, सर का धड़ अलग रहेगा, सर का ताज अलग रहेगा, मतलब एकदम चमकदार पर्ल टाइप में कलर रहेगा, चमकदार की देखने के बाद लगे वाकई में खूबसूरत। और ये जो बर्ड देख रहे हैं प्योर देसी की एक और पहचान होती है दोस्तों कि ये बर्ड, इसका जो मुर्गा है 1.5 KG से अधिक नहीं होगा, मुर्गियाँ 1 KG और बहुत ज़्यादा ग्रैंड पेरेंट हो जाएंगी तो वो 1.25 KG की होंगी। तो ये भी एक पहचान है इनकी, लोगों को और भी तरीके से बेवकूफ़ बना देते हैं ये, वो बोल के ऐसा हो गया वैसा हो गया, या तो वो कर दिया ये कर दिया, कुछ भी मतलब कुछ भी बोल के बेचने वाले कुछ भी कुछ ना कुछ बेच देते हैं। तो दोस्तों आपको फंसना नहीं है सबसे पहली, और फार्मिंग में हमेशा कोशिश करनी है कि विजिट करना सीखें। विजिट जैसे अभी आपको हमने अपना पूरा एड्रेस बताया, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, हमारा एड्रेस है विलेज एंड पोस्ट बरखुरदारपुर, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली, उत्तर प्रदेश। आप हमारे यहाँ विजिट करिए, विजिट करने से ये होगा हमारे आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, संबंध बढ़ेंगी, व्यापार करने में हम आपको कुछ सहयोग करेंगे, कुछ आप हमको सहयोग करेंगे, ऐसे दोनों लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग यदि फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे यहाँ आइए, रुकिए, आपके लिए रुकने की उचित व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, सारी चीज़ें। आप हमारे यहाँ विजिटर्स आते हैं दूर दूर से, श्रीनगर से, इम्फाल से, मणिपुर से, गुवाहाटी से, ऐसे दूर दूर से भी लोग आ जाते हैं जिनको काम करने की लभक है, कमाने का जुनून है, जो आसपास हैं वो नहीं आ पाते, वो नहीं कमाते, वो ब्रॉयलर में परेशान है, ब्रॉयलर की मुर्गी पालन कर रहे हैं, 40 दिन में कभी 20,000 कमा लिया, कभी 30,000 कमा लिया, कभी नुकसान खा गए। तो दोस्तों देसी मुर्गी फार्मिंग में आइए, बशर्ते ये है कि जब भी आप इस फार्मिंग में इंटर करिए, मजबूती के साथ करिए, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा किसी भी व्यापार में भाई, बिना इन्वेस्टमेंट का कोई व्यापार नहीं है। आपको हम बता दें फिर से, लोग जो बताते हैं 10 रुपये लगाइए, 5 लाख कमाइए, 5 रुपये लगाइए, 50 लाख कमाइए, जो ट्रेडिंग में लोग बताते हैं 1 लाख लगा के 10 करोड़ बना लिए, सारी बातें झूठी होती है भाई। कहीं हमको नहीं लग रहा कि पूरे हिंदुस्तान में किसी एक ने ऐसा किया होगा कि 1 लाख लगा के 1 करोड़ बनाया होगा, वरना किसी ने नहीं बनाया होगा, ठीक है। वो सारी उसकी प्रायिकता इतनी ज़्यादा लो है कि 5000 करोड़ चांसेस नहीं है कि आप जीतो वो चीज़ या वो चीज़ पाओ आप। तो
सच्चाई में विश्वास करिए, कारोबार करिए, बिजनेस करिए। अगर गांव से हैं तो गांव के लेवल का व्यापार करिए, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं देसी मुर्गी पालन और भी बहुत सी फार्मिंग हमारे पास होती है। हमारे पास टर्की है, सिल्की है, गिनी फाउल, इन सभी बर्ड की फार्मिंग होती है। सोनाली के अंडे का व्यापार होता है, सोनाली के अंडे का भी अंडे भी ले सकते हैं आप लोग। देसी मुर्गियों में अंडे भी काफ़ी कॉस्टली बिकते हैं। देसी मुर्गियों का अंडे का ये रहता सिस्टम, एक एक अंडा 8 रुपये 10 रुपये का बिकता है मिनिमम, और बड़े शहरों में हमने देखा 20-20 रुपये तक का अंडा बिक जाता था। दोस्तों आप लोग ले सकते हैं, लेके पाल सकते हैं, पालने के बाद आप खुद ही देखेंगे रिजल्ट इसका। बहुत बड़े बड़े लोग लेयर फार्मिंग कर रहे हैं, केज में पाल रहे हैं, जिनका 1-1 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट है, वो भी 10,000 रुपये कमा रहे हैं। अगर 1 करोड़ ना लगा कि इस व्यापार में आप 25 लाख रुपये लगा देंगे तो हम गारंटी लेते हैं कि उस लेयर फार्मिंग से अधिक आप इसमें पैसा कमाओगे। लेकिन ये है कि आपको लगाना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं देसी मुर्गी फार्मिंग में, उनको लगता है सब फ्री का, ऐसे घास फूस खिला के अंडा ले लेंगे कमा लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं भाई। आपको यदि डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, कोई फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कमा पाओगे दोस्तों। और एक बार फिर से आइए, दिखाते हैं हम एक और बॉक्स ओपन करके आपको, जो भी बोलिए रैंडम खोल देते हैं, ऐसा नहीं है सारे बॉक्सों में चूजे भरे हुए हैं। और ये देखिए एक और बॉक्स हम आपको ओपन करके दिखाते हैं, दिखा रहा हूँ भैया, अच्छे देखिए देख सकते हैं पास दिखा दिए चूजा, एकदम फर्स्ट क्लास चैनवन चूजा है, कि कोई ये कह नहीं सकता कि चूजे में कोई कमी है या चूजा सुस्त है या चूजा मुरझाया हुआ है। एकदम तड़कता भड़कता चूजा, जैसे कहते हैं ना हरा भरा, उस तरीके का चूजा है। और क्वालिटी है, क्योंकि जब इसका पैरेंट मजबूत रहेगा, हम लोग पैरेंट को फुल वैक्सीनेशन देते हैं, अच्छी फीड खिलाते हैं, अच्छे वातावरण में रखते हैं, कोई बीमारी नहीं लगने देते। जब जिसका माँ बाप दादा दादी मजबूत रहेंगे, उसका बेड़ा जब मजबूत रहेगा, तो जाहिर सी बात है उसके बच्चे उसके पोती पोते हमेशा मजबूत रहेंगे। तो आइए सरताज मामू, आइए थोड़ा सा मामू से बात करते हैं और कुछ जानकारी आप लोग लीजिए। तो मामू फार्मिंग करते हैं, पूरा बिजनेस ही संभालते हैं। सरताज मामू का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, ताकि आपके बात डायरेक्ट मामू जी से हो जाए और आपको चूजा लेना हो, डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया। मामू चीज़ ये बताइए, कहाँ कहाँ तक आप डिलीवरी कर सकते हैं? मैं ज़्यादातर अपने रूट पे ये ऑल इंडिया सर्विस दे रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक ट्रेन का लाइन है ज़्यादातर वहीं दे पाता हूँ। और नज़दीक तो अपने यहाँ 200-500 किलोमीटर तक मैं अपनी संबंधित लोडिंग गाड़ी से पिकअप से सप्लाई दे देता हूँ, लेकिन बच्चे की क्वांटिटी होनी चाहिए और थोड़ा बहुत कम बच्चा जैसे रहता है 1,500 बच्चा, उसको बाई ट्रेन भेजने की कोशिश पूरी रहती है, भिजवा देते हैं। अच्छा, तो भाइयों जैसा कि आपने सुना कि हमारे पास डिलीवरी की भी सुविधा अवेलेबल है, देख सकते हैं हमारे पास गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी इधर खड़ी है, दो गाड़ियाँ उधर खड़ी हैं। जैसे कोई बड़ी माल, एक चीज़ और बता दीजिए मुझे, ये माल तैयार हो जाए तो बहुत से लोग पूछते हैं कि नए हैं फार्मिंग में, तो उनकी बाई बैक गारंटी क्या सेटअप है, क्या आप माल उठवा देंगे या खरीद लेंगे कुछ? मेरे पास दोनों रास्ते हैं। पहली बात तो मैं भी कोशिश में रहता हूँ कि खुद ही उठा लेता हूँ, अपने पास ला करके स्टॉक में यहाँ पे लोगों को बेच देता हूँ। और दूसरी बात, ये हमारे पास तमाम बाहर से पार्टियाँ आती हैं जो लेने के लिए, पूरा पूरा एक एक गाड़ी माल उठा ले जाते हैं। और नज़दीक का जो मुर्गा होता है अपने यहाँ नज़दीक कानपुर, लखनऊ, बनारस, इन सब जगहों पे लोग इसको खाते हैं, देसी मुर्गा के बड़े शौकीन लोग हैं, ये मुर्गा तो उठा लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर मुर्गियाँ ये आसाम साइड से गाड़ियाँ आती हैं, वो लोग लेते हैं इसको, पूरा का पूरा 1,000, 2,000, 10,000 जितनी भी माल आपकी कैपेसिटी तैयार करने की, मुर्गियाँ तैयार कर लीजिए, 1,100-1,200 ग्राम के वजन हो जाने के बाद पूरा पूरा माल उड़ जाता है। तो आप लोग को आगे उसकी भी चिंता नहीं करनी कि आपका माल बिकेगा, कैसे बिकेगा, क्यों बिकेगा, कब बिकेगा, उसके लिए हम लोग आपको रास्ता बताएंगे और समझाएंगे, सिखाएंगे। और अंडे क्या सिस्टम है, जैसे कोई फार्मर अंडा निकालता है तो उसमें अंडे क्या सेटअप है, क्या आप खरीदेंगे या बिकवाएंगे अंडा? हाँ भाई, जब अंडे का भी मेरे पास लेनदारी है, मैं ले सकता हूँ अंडा भी, और अंडा ज़्यादातर ले करके अपने पास अपने उसी से फिर बच्चा निकालते हैं। और दूसरी बात, अंडा जितना भी अगर क्वांटिटी माल रहता है तभी ज़्यादातर ले पाते हैं, किसी के पास थोड़ा बहुत माल निकलता है, थोड़ा बहुत माल लेने में उसको देने में भी मुझको लेने में भी तकलीफ होती है। लेकिन जब अंडा की क्वांटिटी जब निकलने लगती है पर डे 1,800 अंडा, तब तो लेते हैं, तो अंडा वो मेरे काम का आ जाता है। कम अंडा लोगों के पास जब प्रोडक्शन होता है तो कलेक्शन करने में अंडा का टाइम ज़्यादा दिन लग जाता है स्टॉक करने में, तो फिर उसकी वजह से अंडा ख़राब होने लगता है, इसलिए लेना फिर अच्छा नहीं है। तो आप लोग जब भी अंडा निकालिए कुछ क्वांटिटी में निकालिए, कम से कम एक दिन में 500 से कम अंडा ना निकालिए, तो हम पूरा अंडा लेने के लिए तैयार हैं। और मेरे पास पार्टियां लेने के लिए भी, और हैचरी भी हैं लोगों को, मेरे पार्टनर लोगों को भी, मेरे साथी हैं, यार दोस्त हैं, उनको भी ज़रूरत रहती है। अंडा जितना भी चाहो कि खरीदने के लिए हम तैयार हैं, अंडे के लिए कोई चिंता करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो चूजा निकला हुआ 5,000, ये तो बिका हुआ है, यदि कोई चूजा लेना चाहता तो कितने दिन पहले वो बुकिंग करे कि उसको चूजा टाइमली मिल जाए? किसी को अगर चूजा लेना है कम से कम 10 दिन पहले वो हमको बुकिंग करेगा तो हम चूजा उसको देते रहते हैं, क्योंकि लाइव स्टॉक है,
बुकिंग रहता है तो सबका एक लाइन बैठा होता कि फला डेट में उसको देना है, और बुकिंग नहीं रहता तो अचानक किसी को बच्चा लेना देना फिर बड़ी तकलीफ हो जाती है, किसी का बुकिंग रहता उसको काट के दूसरे को देना फिर थोड़ा सा मार्केट में बाजार में सर उठा के चलने नहीं अच्छा लगता, लोगों के कहना होता कि आप बुकिंग मुझसे करते हैं कहीं और दे देते हैं, तो इसलिए बुकिंग पे अपने बच्चा लेने का पूरी तैयारी किसान बना के रखता है, हम देने के लिए तैयारी बना के रखते हैं, तो इससे हमारा बढ़िया तालमेल बैठा रहता है। तो बुकिंग के लिए कम से कम हफ्ता 10 दिन पहले आप बुकिंग कर दीजिए, बच्चा आपको सियोरिटी उस डेट में मिलना 100% तय रहता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने सीखा जाना वीडियो के माध्यम से हमारी सर्विसेज, हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या देते हैं, तो आप लोग बिना देरी के हमसे चूजे खरीद सकते हैं। नंबर मैंने दे दिया है, 3-4 नंबर डाल देंगे, आप किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं चूजा लेने के लिए। आप लोग एक हफ्ते पहले बुकिंग करिए और आपको फुल गाइडेंस मिलेंगे, दवा से लेके दाना से लेके मार्केटिंग से लेके सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे और बताएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।